साथियों, खेल के मैदान में जो आपने किया है वो एक बड़े कैनवास का भी हिस्सा है। जब देश आगे बढ़ता है तो हर क्षेत्र में उसका प्रभाव दिखता है। भारत के स्पोर्ट्स सेक्टर में भी हम यही होता देख रहे हैं। जब देश में परिस्थितियां ठीक नहीं होती तो वो खेल के मैदान में भी रिफ्लेक्ट होती ही होती है। आज जब विश्व पटल पर भारत एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर रहा है, आपने उसे खेल के मैदान में भी प्रदर्शित किया है। आज जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है तो इसका सीधा लाभ हमारे युवाओं को होता है। इसलिए आज आप स्पेस पे देखिए, भारत का डंका बज रहा है, चंद्रयान की चर्चा चारों तरफ है, स्टार्टअप्स की दुनिया में आज भारत टॉप पर है, साइंस और टेक्नोलॉजी में अद्भुत काम हो रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप में भारत का युवा बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम ले लीजिए, उसके सीईओ भारत के संतान है, भारत के नौजवान है। यानी भारत का युवा सामर्थ्य हर सेक्टर में छाया हुआ है। देश को आप सभी खिलाड़ियों पर भी बहुत भरोसा है। इसी भरोसे से हमने 100 पार का नारा दिया था, आपने उस इच्छा को पूरा कर दिया। अगली बार हम इस रिकॉर्ड से भी कहीं ज्यादा आगे जाएंगे। और अब हमारे सामने ओलंपिक भी है, पेरिस के लिए आप दम लगाकर तैयारियां कीजिए। जिन्हें इस बार सफलता नहीं मिली उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, हम गलतियों से सीख लेकर नए प्रयास करें। मेरा विश्वास है आपकी भी जीत जरूर होगी। कुछ दिन बाद ही 22 अक्टूबर से पैरा एशियन गेम्स भी शुरू होने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पैरा एशियन गेम्स के भी सभी बच्चों को, सभी खिलाड़ियों को अपनी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं।